हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं शिव साई इलेक्ट्रिकल। तो दोस्तों, आज हमारे पास ये जूसर मिक्सर ग्राइंडर है, तो आज हम इसी को रिपेयर करने वाले हैं। तो देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम वही लीड चेक करेंगे। ये हमारे पास एक सीरीज टेस्टर है जो कि बहुत ही काम का टेस्टर है। ये आप सभी के पास होना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट चेक हो जाते हैं। तो देखिए, ये हमने प्लग पर हमने कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो कोई भी कंटिन्यूटी हमारी शो नहीं कर रहा है। हमने सारे स्विच ऑन करके देख लिए हैं। तो चलिए इसको खोलते हैं और चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो ये नीचे बेस में स्क्रू हमने खोल लिए हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी जो ये मेन लीड है वहीं से शुरुआत करेंगे और चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो ये कंटिन्यूटी टेस्टर हमने ले लिया है। तो दोस्तों, अब चेक करते हैं। ये प्लग की एक प्लग पर पहले लगा के चेक कर लेते हैं। देखिए, कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। और अब हम ये देखेंगे कि ये मेन लीड की अंदर जो वायर है वो हमारी कहाँ कहाँ लगी हुई हैं। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं। देखिए, ये मेन लीड की ये ब्लैक वाली वायर है, ये हमारी ऑटो कट पर लगी हुई है। और एक ये रेड वाली वायर है, ये हमारी स्विच पर लगी हुई है। तो सबसे पहले हम ये देखिए, ये स्विच पर यहाँ लगी हुई है। तो सबसे पहले हम ये मेन लीड को ही चेक करेंगे। तो दोस्तों देखिए, ये प्लग की एक पिन पे हमने लगा लिया है और ये ब्लैक वाली वायर जो हमारी ऑटो कट पे जा रही है, देखिए ये कंटिन्यूटी शो कर रही है। तो ये हमारी जो ब्लैक वाली वायर है, इसका मतलब ये ठीक है हमारी। और ये दूसरी पिन हम ये चेक करते हैं, ये रेड वाली वायर जो गई है, इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अच्छे से हम चेक कर रहे हैं, कोई भी कंटिन्यूटी इसमें शो नहीं कर रही है। तो हम स्विच ऑन करके भी देख लेते हैं। तो देखिए, बिल्कुल भी कंटिन्यूटी शो नहीं कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी ये वायर है, इसमें जो एक वायर जो रेड वाली वायर है वो कहीं ना कहीं से ब्रेक हो गई है, तो इसी वजह से इसमें कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। और हम ये जो हमारे मिक्सर ग्राइंडर है, इसमें देखिए, और ऑटो कट पे हमने एक लगा लिया है और स्विच के वहाँ पर हमने तीनों स्पीड पर हम चेक कर रहे हैं, तो कंटिन्यूटी शो कर रहा है। इसका मतलब मोटर हमारी बिल्कुल सही है, ये लीड जो है यही हमारी अंदर से ब्रेक हो गई है। तो दोस्तों देखिए, ये हमें दिखाई भी दे गई है। देखिए, एक ब्लैक सा एक डॉट सा नज़र आ रहा है, ये यहाँ से स्पार्क हुई हुई है। तो ये लीड हम चेंज करेंगे। दोस्तों, मेरे जो वीडियो होती हैं वो ऐसी वीडियो होती हैं कि जो अपने घर पर ही आप ठीक कर सकते हैं। बाकी तो बड़ा जब फॉल्ट आता है तो वो तो दुकान पर ले जाकर ही ठीक होगा, लेकिन आप इमरजेंसी में आप अपने घर पर भी ठीक कर सकते हैं। तो मैं ऐसी ऐसी वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों घर पर ही ठीक कर सकें। तो देखिए, हमने ये वायर लगा ली है, जो मेन लीड जहाँ जहाँ से हमने निकाली थी, एक स्विच पेयर से और एक ऑटो कट से। तो अब हम इसको कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कंटिन्यूटी अब आ गई है। तो देखा आपने, ये मेन लीड ही ख़राब थी इसकी। तो चलिए अब बंद कर लेते हैं इसको और चेक करते हैं कि हमारी जूसर मिक्सर ग्राइंडर ये काम कर रहा है या नहीं। प्लग लगा लिया है, स्विच ऑन कर लिया है, तो ये मिक्सर ग्राइंडर का स्विच भी हम ऑन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसने अब ये पूरा वर्क कर रहा है। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।